आप भी चाहते हैं कि आपको भी रिजल्ट आए, आप भी चाहते हैं कि आपके भी दिन के 5,000-10,000 की अर्निंग हो, मेरे दोस्त, उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी, उसके लिए आपको चीजें सीखनी पड़ेगी पहले। और अगर आप चीजें अच्छी तरीके से सीख लोगे, उसको इम्प्लीमेंट करोगे, उस पर अगर आप काम करोगे, कई हुई बातों को फॉलो करोगे, तो डेफिनेटली आपको भी बहुत अच्छा, बहुत शानदार रिजल्ट मिल सकता है। ठीक है, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आज की सेशन की हम शुरुआत करते हैं। हम आज सीखेंगे कि YouTube पे हम किस तरह से प्रमोशन करते हैं। ठीक है, हालांकि मैंने YouTube पे अभी पिछले 1 महीने से ही काम स्टार्ट किया है, वहां से मुझे 2 ज्वाइनिंग अभी मिल चुकी है। ठीक है, और 2 से 3 मेंबर ऐसे हैं जो इंटरेस्टेड हैं और आने वाले 10 से 15 दिन में वो भी ज्वाइनिंग कर लेंगे। ठीक है, मैं YouTube पे कैसे काम करता हूँ और आप किस तरह से काम कर सकते हैं, उसी पे हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों से जानना चाहूंगा, कितने ऐसे लोग हैं जिनका YouTube पे चैनल है, प्लीज रेस योर हैंड। जिनका YouTube पे चैनल है प्लीज अपना हैंड रेस करें। जिनका भी YouTube पे चैनल है प्लीज रेस योर हैंड। काफी ऐसे लोग हैं जिनको नहीं पता कि हमारा भी YouTube पे चैनल है क्या। आज आपका वो भी जो डाउट है, जो कंफ्यूजन है, वो भी दूर हो जाएगा। ठीक है, सैकड़ों ऐसे लोग हैं जिनका YouTube पे चैनल है, और जो लोग हैंड रेस नहीं कर रहे हैं ना, उनको नहीं पता कि हमारा भी YouTube पे चैनल है। आज हम यहाँ पे 843 लोग हैं, 845 लोग हो गए। हर एक मेंबर का YouTube पे चैनल है। ठीक है, जैसे ही आपका ईमेल बनाते हो, आप ईमेल क्रिएट करते हो, आपका YouTube पे चैनल बन जाता है। ठीक है, आप देखिएगा, अपने YouTube पे जाइएगा, आपका ऑलरेडी YouTube पे चैनल बन रखा है। ठीक है, आपने जिस नेम से अपनी ईमेल बना रखी है, आपने जो नाम डाल रखा है ना, उसी नाम से आपका YouTube पे चैनल है। ठीक है, तो आपको ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि मेरा तो YouTube पे चैनल है ही नहीं। YouTube पे चैनल बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, पैसे लगते हैं क्या, कहीं से कोई फॉर्म भरना पड़ता है क्या, KYC करवानी होती है क्या, ऐसा कुछ नहीं है भाई। आपने अपनी ईमेल जो बनाई है, आपका जो ईमेल का वहां पे हो रखा है रजिस्ट्रेशन, आपका YouTube पे भी चैनल बन रखा है। ठीक है, मैं जस्ट आपको स्क्रीन शेयर करके दिखा देता हूँ कि आप उसको कैसे वेरीफाई करोगे कि मेरा चैनल है या नहीं है। आई थिंक मेरा स्क्रीन शो हो रहा होगा। संपी सर, एक बार कंफर्म कर दीजिए मेरा स्क्रीन शो हो रहा है। मिस्टर संपी सर, एक बार कंफर्म कर हाँ जी दीजिए। सर, आपका स्क्रीन शो हो रहा है सर, हो रहा है। ओके ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आप यूट्यूब ओपन कीजिएगा और वहां पे देखो, आपको राइट साइड में एक आपको अपना प्रोफाइल का आइकन दिखता है। ठीक है, जस्ट मैं एक बार आपको बता देता हूँ, यहाँ पे देखिए, आपको एक अपना जो भी आपने प्रोफाइल लगा रखी है वैसा वहां पे आइकन दिखने वाला है। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे, आपका चैनल खुल जाना है। ठीक है, यहाँ पे काफी सारे आपको ऑप्शन दिखने को मिलने वाले हैं। जितने भी लोग हैं जिनको नहीं पता, वो अभी अपने YouTube पे जाएं और कंफर्म कर लें कि आपका चैनल है या नहीं। सबसे पहला जो काम है, आप कंफर्म कर लीजिए कि आपका YouTube पे चैनल है या नहीं। ठीक है, उसके बाद करना क्या है, आप मेरे वाले चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, उसे होगा क्या, मैं जो भी वहां पे चीजें डाल रहा हूँ, जो भी पोस्ट कर रहा हूँ, जो भी शॉर्ट वीडियो डाल रहा हूँ, उनसे आपको हिंट मिलता रहेगा कि हम भी कैसे शॉर्ट वीडियो बना सकते हैं। ठीक है, आप YouTube पे जाइए, नेमराज अडानिया सर्च कीजिएगा, वहां पे आपको मिल जाएगा और आपके सामने डैशबोर्ड दिख भी रहा है, आप यहाँ पे नाम भी देख सकते हैं। ठीक है, जितने भी लोग हैं वो पहला काम ये कर लीजिए, आप इस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जिनका भी चैनल है प्लीज आप अपने लिंक भी मेरे साथ जरूर शेयर कर दें। मैं भी आपका हर एक मेंबर का चैनल सब्सक्राइब करने वाला हूँ। हम एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे का सपोर्ट करेंगे, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। ठीक है, और नेटवर्क मार्केटिंग में तो होता ही यही है, जितना आप लोगों का सपोर्ट करेंगे, लोगों से सीखोगे, लोगों को सिखाओगे, तो ही आप ग्रो कर पाओगे। ठीक है, जितने भी लोग हैं आप यूट्यूब पे जाएं, अपना चैनल वेरीफाई करें कि आपका चैनल बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। हर एक मेंबर का चैनल बना हुआ है, अब उसको यूज कैसे करना है, वहां पे कैसे पोस्ट करनी है, कैसे वीडियो डालना है, वो अभी मैं आपको बता दूंगा। आप जैसे कंफर्म कर लेते हैं, उसके बाद आप सर्च बार में जाइए और वहां पे सर्च कीजिए नेमराज अडानिया, आपको मेरा चैनल मिल जाएगा।
यहाँ से आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल सकती है। ठीक है, मैं ऐसा नहीं बोलता कि मैं बहुत बड़ा यूट्यूबर हूँ, मेरे से आप सीख लोगे, नहीं, मैं भी अभी सीख रहा हूँ, मैंने भी अभी स्टार्ट किया है, तो थोड़ा जितना मुझे आता है मैं वो आपको सिखाने की कोशिश करूंगा। सभी लोग यूट्यूब पे जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए मैं एक्चुअली करता क्या हूँ वहाँ पे, ठीक है, जैसे मैंने ये मेरी इनकम का, मैंने अपनी जो इनकम है, मेरी जो आईडी है, मैंने उसका स्क्रीनशॉट लिया, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिख दिया सिंगल डे की इनकम 80 व्यूज थी, उसको INR में लिख दिया, वर्क फ्रॉम होम लिख दिया, नीचे व्हाट्सअप नंबर डाल दिए। ये सॉन्ग जो है आप अपने कोई सी भी VN एप्लीकेशन आती है उससे यूज कर सकते हो, उससे बना सकते हो, इनशॉट से बना सकते हो या काइनमास्टर से बना सकते हो, जो आपको इजी लगे यूज करने में उससे आप बना सकते हो, या इंस्टाग्राम पे भी आप ऐसे शॉर्ट वीडियो बना सकते हो और उनको इन स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो, वही आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, उसको आप यहाँ पे शॉर्ट में जाके अपलोड कर सकते हो। आप लिख सकते हैं वर्क फ्रॉम होम इंटरेस्टेड पर्सन प्लीज DM, अपने नंबर डाल सकते हैं, हैशटैग में आप वर्क फ्रॉम होम डाल सकते हैं, ठीक है, ऑनलाइन बिजनेस डाल सकते हैं, कुछ भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। एक चीज का आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि जो ये आप प्रमोशन कर रहे हो ये आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है, आप ऐसा नहीं कि मैं हर जगह बोलता हूँ, कहीं से भी आप प्रमोशन करो, चाहे फेसबुक पे करो, चाहे व्हाट्सएप पे करो, चाहे इंस्टाग्राम पे करो, चाहे यूट्यूब पे करो, प्रमोशन आपको हमेशा करते रहना है, ठीक है, और डेली बेस पे अगर आप प्रमोशन स्टार्ट कर दोगे तो आपका धीरे धीरे जो वीडियो है, जो आपके रील है, जो आपके शॉर्ट है, वो वायरल होने लग जाएंगे, पॉसिबिलिटी है कि वो वायरल हो जाए, हालांकि ये मेरा कोई वायरल नहीं हुआ, ज्यादा व्यू नहीं आ रहे हैं। एक चीज का यहाँ पे ये भी ध्यान रखना है, आप वीडियो डाल रहे हो, कोई व्यू नहीं आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, नेगेटिव नहीं होना है भाई, ऐसा नहीं कि आप ये उम्मीद करके बैठ जाओ कि मैं तो वीडियो डाला, मेरे तो 1 लाख व्यू आए नहीं, मेरे तो मिलियन में पहुंचे नहीं, भाई कोई दिक्कत नहीं है, एक टाइम ऐसा आएगा कि हमारे भी व्यू लाखों में आने लग जाएंगे, हमारे भी व्यू मिलियन में आने लग जाएंगे, लेकिन उसके काबिल तो हमें पहले बनना पड़ेगा ना, हमेशा जो शुरुआत होती है वो जीरो से ही होती है। और एक चीज का ध्यान रखिए, कभी भी परफेक्ट बनने की कोशिश ना करें कि मैं जब अच्छी तरीके से परफेक्ट हो जाऊंगा, जब मैं अच्छी तरीके से वीडियो बनाने लग जाऊंगा कि हाँ ये एकदम परफेक्ट है तभी मैं अपलोड करूंगा, नहीं मेरे दोस्त, जितना आपको आता है, जितना आपने सीखा है आप डाल दो, अगर कुछ गलत भी डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, आपका चैनल है, आपको कोई खा नहीं जाएगा, आपको कोई मार नहीं देगा, आपके ऊपर कोई पेनल्टी नहीं लग जाएगी, जितना आपको नॉलेज है, जितना आप वीडियो बना सकते हो, जितना एडिट कर सकते हो आप वो डाल दीजिए। आपको ऐसा नहीं करना कि मैं तो बहुत अच्छी तरीके से एडिटिंग करूंगा, बहुत शानदार तरीके से एडिटिंग करके उसके बाद ही डालूंगा, नहीं, आप जब अच्छी तरीके से एडिटिंग सीख जाओगे तब तक पता नहीं आप कितने पैसे कमा लोगे, तब तक पता नहीं कितने वीडियो डाल दोगे, और जब आप वीडियो डालते रहोगे ना, प्रैक्टिस करते रहोगे, तभी आप परफेक्ट बनने वाले हो। तो ये कभी भी ना सोचें कि मैं तो पूरा परफेक्ट बन जाऊंगा उसके बाद ही वीडियो डालूंगा, ऐसा नहीं करना है, जितना आता है स्टार्ट कर दो भाई, जहां पे हो, जिस भी स्टेज पे हो आप बस स्टार्ट कर दीजिए। ये जैसे मैंने शॉर्ट वीडियो डाल रहा है आप ऐसे स्टार्ट कर दीजिए, जैसे मैंने और भी काफी सारे ऐसे वीडियो डाल रखे हैं, ठीक है, यहाँ पे बहुत कम व्यू आ रहे हैं लेकिन कोई दिक्कत आ तो रहे हैं, अगर एक मेंबर भी मेरे पास आ रहा है मेरी एक वीडियो से तो कोई दिक्कत नहीं है, मेरा वीडियो डालना, मेरा वीडियो बनाना, मेरा काम जो है वो साकार हो गया, ठीक है। ये जैसे मैंने एक और डाल रखा है यहाँ पे, आप फोटो भी लगा सकते हो, अपना इनकम का स्क्रीनशॉट लगा सकते हो, कुछ भी वहां पे टाइप कर सकते हो, ये शॉर्ट वीडियो मैंने यहाँ पे डाल रखे हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर आप अपने बड़े वीडियो बनाना चाहो, जैसे कोर्सेज क्या है उसके ऊपर आप अपना फेस का वीडियो बना सकते हो, X3 कैसे काम करता है, X4 कैसे काम करता है, XXX कैसे काम करता है, XGold कैसे काम करता है, आप अपने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दो। और सबसे बड़ी आप गलती क्या करते हो, आप लोगों के वीडियो उठा के अपने चैनल पे डाल रहे हो, भाई आपको खुद को ब्रांड बनना पड़ेगा। आप अगर मेरा वीडियो उठा के कहीं डाल रहे हो ना, आपका खुद का प्रमोशन नहीं कर रहे हो, आप मेरा प्रमोशन कर रहे हो। आज जिस भी लीडर का वीडियो उठा के डाल रहे हो ना, मैं काफी लोगों के स्टेटस देखता हूँ, काफी लोगों की स्टोरी देखता हूँ, यूट्यूब पे भी वो मुझे लिंक भेजते हैं, लेकिन उनका खुद का कहीं है ही नहीं, नाम भी नहीं है, बस लोगों के उठा उठा के डाल रहे हो। भाई आप सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, गलती ये कर रहे हो कि आप खुद का प्रमोशन ना करके आप अगले वाले मेंबर का प्रमोशन कर रहे हो, जिसका वीडियो डाल रहे हो ना लोग उसको देख रहे हैं, लोग आपके पास थोड़ी आएंगे, अगर आपके पास वो कॉल भी करेंगे ना तो बोलेंगे कि जिसका वो वीडियो देख रहे हैं ना, जिसका फेस देख रहे हैं, कि सर मुझे उसके नंबर चाहिए, मुझे उनसे बात करनी है, ना कि आपसे बात करनी है। तो आज से ये गलती आपको नहीं करनी है,
आपको जितना आता है, जैसा आता है, आप कैसे दिखते हैं कोई मैटर नहीं करता, वीडियो खुद का बनाओ, ठीक है। जैसा बनाना आता है, जितना बोलना आता है, बना दीजिए और डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है कि हमारे लाखों व्यू नहीं आ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपको कोई वहां से रेस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है कर्म करना। एक दिन ऐसा आएगा लोग आपके पास बहुत ज्यादा आने वाले हैं, आपको टाइम नहीं रहेगा कि उनको रेस्पॉन्स करें, आपको टाइम नहीं रहेगा आप उनको रिप्लाई करें, लेकिन उसके हमें काबिल पहले बनना पड़ेगा, उस लेवल की हमें मेहनत करनी पड़ेगी। और वो ऐसा नहीं कि आप एक दिन में ही वो कर लोगे कि मतलब एक ही वीडियो डालूं उसी से सारा सब कुछ हो जाएगा, नहीं होगा भाई। पहले जीरो से आपको स्टार्टिंग करनी पड़ेगी। पहले वीडियो पे 2 व्यू आएंगे, अगले वाले पे 10 आएंगे, फिर 50 आएंगे, फिर 100 आएंगे, फिर 1000 आएंगे, और फिर लाखों में भी बदल जाएगा। आप ये उम्मीद करके ना बैठे कि मेरे पहले वीडियो पे ही लाखों व्यू आ जाए, नहीं होगा मेरे दोस्त, ठीक है। ये सिंपल सा आपको काम करना है, बस शॉर्ट वीडियो बनाने हैं, वो यहाँ पे अपलोड कर देने हैं। अपलोड किस टाइम करने हैं? मॉर्निंग का टाइम हो गया और इवनिंग का टाइम हो गया, ठीक है। कॉन्टेक्ट नंबर जरूर डालने हैं। और एक विशेष तौर से मैं आपको और बताना चाहूंगा, खुद का ही वीडियो डालना है, खुद की ही रील डालनी है, ना कि किसी दूसरे का। और जो शॉर्ट वीडियो डालते हो इसमें किसी का डाल दो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका फेस वगैरह नहीं होना चाहिए। इनकम का स्क्रीनशॉट का है, हाँ उसमें आप सॉन्ग वगैरह एडिट करके कुछ भी आप उसमें एडिट करके डाल सकते हो, लेकिन उसमें अपने नंबर आपको जरूर डालने। सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। और हर एक मेंबर का आपका यूट्यूब चैनल है, आपको ये आज पता चल गया होगा, आपने ये वेरीफाई कर लिया होगा। और जिन लोगों को पता चल गया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और जिन्होंने सब्सक्राइब किया है और जिनका चैनल है वो मुझे व्हाट्सएप पे जरूर अपने लिंक भेज दें, मैं भी आपका हर एक मेंबर का जो चैनल है वो सब्सक्राइब करने वाला हूँ। ये होगा ना, हो गया अपना यूट्यूब का। यूट्यूब पे थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा, ये उम्मीद करके ना बैठे कहीं पे भी, ये तो उम्मीद करके ना बैठे कि मैंने आज वीडियो डाला है कल ही मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं होगा भाई, टाइम लगेगा। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य रखना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट जरूर आना है। रिजल्ट तो जरूर आना है भाई, लेकिन हमें थोड़ा रुकना पड़ेगा, थोड़ा सा हमें वेट करना पड़ेगा। आप बहुत सारे आपके पास हैंडल है, जैसे यूट्यूब हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, व्हाट्सएप हो गया, फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, टेलीग्राम हो गया, ठीक है, अलग अलग जो आपके प्लेटफॉर्म है, हर एक प्लेटफॉर्म पे आप प्रमोशन करना स्टार्ट कर दो, कहीं ना कहीं से तो रिजल्ट मिलना जरूर स्टार्ट हो जाएगा। और भी हमारे साथ कुछ होस्ट है तो हम उनसे भी सुनेंगे कि यूट्यूब पे और किस तरह से हम बेहतर तरीके से प्रमोशन कर सकते हैं। अब हम चलते हैं अपने इंस्टाग्राम पे कि हम इंस्टाग्राम पे कैसे प्रमोशन कर सकते हैं। एक बार मैं जूम पे आता हूँ, कितने ऐसे लोग हैं जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट बना है, जो इंस्टाग्राम यूज करते हैं, प्लीज रेज योर हैंड। जो लोग इंस्टाग्राम का यूज करते हैं, जिनके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट है, प्लीज रेज योर हैंड। अभी के टाइम में अगर आप इंस्टाग्राम यूज नहीं कर रहे हैं तो भाई आप कौन सी सदी में जी रहे हो, ठीक है। कुछ टाइम पहले ऐसे समय था जब हर एक मेंबर फेसबुक पे होता था, आज फेसबुक अकाउंट नहीं है लेकिन इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर है, क्योंकि हमें वहां पे रील देखनी होती है ना, बचपन का प्यार हो गया, कच्चा बादाम हो गया, ठीक है, ये वहीं से तो वायरल हुए हैं। वाओ, 867 लोग हैं जिनमें से 50% भी ऐसे नहीं है जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट है। भाई कौन सी सदी में जी रहे हो आप? आपने इतना बड़ा 20-25 हजार का फोन ले रखा है और आपके फोन में इंस्टाग्राम नहीं है। ओके, जिनका भी इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है आज इंस्टाग्राम अकाउंट जरूर बना ले, कोई पैसा नहीं लगता उसका, और कहीं पे भी जाके नहीं बनवाना है, अपने फोन से ही बन जाएगा। बस एप्लीकेशन इंस्टॉल करनी है और वहां पे अकाउंट क्रिएट करना है, बहुत इजी है, बहुत सिंपल है, ठीक है। चलिए मैं दोबारा से स्क्रीन शेयर करता हूँ। जिनका इंस्टाग्राम अकाउंट नहीं है मैं आपको बता दूं, इंस्टाग्राम पे कुछ ऐसा इंटरफेस होता है, देखने को वहां पे आपको मिल जाएगा। अब आपको देखिए करना क्या होगा, सबसे पहले आप जो भी, जैसे ही आप अकाउंट बनाते हैं आपको कुछ चीजों का वहां पे ध्यान रखना होगा आपको, ठीक है। वहां पे ऐसा नहीं कि फालतू की चीजें बायो के अंदर डाल दें, ठीक है, लव इज लाइफ हो गया, माय लाइफ लाइन, मतलब कुछ भी ऐसे मैं देखता हूँ बहुत सारे ऐसे, वैसा हमें नहीं डालना है भाई, ठीक है। हम कोई आशिक नहीं है, हमें आशिकी है अपने कोर्सेज से, अपने काम से, उसी के बारे में डालना है।
सबसे पहला काम है आपकी प्रोफाइल को आप बहुत अच्छी तरीके से वहां पे एडिट करके रखें, बहुत अच्छी अच्छी वहां पे पिक्चर डालें, पिक्चर में खुद की भी डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, आप जो भी आप एंजॉयमेंट कर रहे हो वो भी तो लोगों को दिखना चाहिए ना भाई, अगर हमारे पास पैसा आ रहा है तो हम कुछ जो कर रहे हैं वो एक्टिविटी भी तो दिखनी चाहिए ना, ऐसे लोगों को कैसे पता चलेगा, ठीक है। दूसरी चीज, आपके बायो में आप जो भी लिखना चाहते हो आप अपने इच्छा से लिख सकते हो, लेकिन फालतू की चीजें ना लिखें, ये मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है। और अगर लिखना भी है, आपका भाई अकाउंट है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, मेरी तरफ से कोई ऐसा प्रतिबंध नहीं है कि आप लिखे ही नहीं, लिखें अपनी इच्छा है जो भी लिखें, लेकिन कुछ अगर प्रमोशन के लिए आप आए हैं, आप यहाँ से चाहते हैं कि आपको लीड मिले, आपको यहाँ पे लोग कॉन्टेक्ट करें, तो उसके लिए आपको थोड़ा सा अच्छे से लिख सकते हैं, ठीक है। आप यूथ आइकन लिख सकते हैं, आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, ठीक है, आप डिजिटल मार्केटर हैं, आप फोर्सेज में काम करते हैं, आप ऑनलाइन अर्निंग करते हैं, जो भी आपको, आप किसी अच्छे लोगों की देख लेना प्रोफाइल, वहां पे बायो मिल जाएगा। जैसे मैंने लिखा है, मैं ड्रीमर हूँ, इन्वेस्ट में करता हूँ, ठीक है, शेयर मार्केट में भी इन्वेस्ट करता हूँ, क्रिप्टो में करता हूँ, फॉरेक्स में करता हूँ, ठीक है, क्रिप्टो से मुझे प्यार है क्योंकि हमारी अर्निंग जो होती है क्रिप्टो में होती है और मैं काफी टाइम से क्रिप्टो में हूँ, ठीक है, और हम एंटरप्रेन्योर हैं भाई, लोगों को बिजनेस दे रहे हैं, ठीक है, हम जॉब वाले नहीं है, ठीक है, हम लोगों को खुद जॉब दे रहे हैं, बिजनेस दे रहे हैं उनको, ठीक है, ऐसा कुछ आप वहां पे डाल सकते हो, आप अपने इच्छा से भी कुछ भी वहां पे डाल सकते हो। दूसरी चीज, आपको जो हाईलाइट यहाँ पे दिख रही है ना, यहाँ पे अभी तो मैंने नए कुछ ऐड किया तो उसकी वजह से जो मेन काम की चीजें वो नहीं दिख रही है, ये मैंने लिख रखा है आस्क मी हाउ, यहाँ पे आप देखिए आपको क्या मिलने वाला है, ठीक है, यहाँ पे मैंने मेरी इनकम का जो है, मैंने जो स्टोरी लगाई थी उसको हाईलाइट कर दिया, यहाँ पे भी मैंने इनकम का डाल रखा है, वर्क फ्रॉम होम अर्न डेली 500 to 1000 rupees यूजिंग योर स्मार्टफोन आस्क मी हाउ, यहाँ पे मैंने इनकम का डाल रखा है, यहाँ पे फिर मैंने इनकम का डाल रखा है, ठीक है, ये सारी मैंने हाईलाइट जो है ये ऐसी डाल रखी है कि लोग जब भी आएंगे वो देखेंगे कि भाई ये काम कैसे कर रहे हैं, ठीक है, ये लोग क्या ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने फोर्सेज का डाल रखा है, इसमें क्या है, मैं ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पे काम कर रहा हूँ, इसके बारे में आपने पीएम मोदी की स्पीच में सुना होगा, आप मेरे साथ वर्क करके डेली का 2000 to 5000 अर्न कर सकते हैं, कॉल मी और मैसेज मी नाउ, ये मैंने यहाँ पे नंबर डाल रखे हैं, ठीक है। आपको जो भी फोर्सेज से इनकम हो रही है, जो भी आप अचीवमेंट ले रहे हैं वो आप यहाँ पे डालें, अर्न 1000 to 500 डेली यूजिंग योर स्मार्टफोन, ऑनलाइन वर्क, फ्री ट्रेनिंग, नो एज लिमिट, नो प्रोडक्ट सेलिंग, नॉट एएमएलएम कंपनी, डेली पे आउट, ठीक है, ऐसा कुछ भी आप अपनी इच्छा से लिख के यहाँ पे डाल सकते हैं, ठीक है। ये जैसे मेरी सिंगल डे की इनकम है 49,000 rupees, ठीक है, ये हमारी 10K की जब टीम हुई थी उसका सेलिब्रेशन का मैंने यहाँ पे डाल रखा है, ये मेरी $25,000 की जब इनकम कंप्लीट हुई थी वो मैंने डाल रखा है, ठीक है। आप जो भी इनकम कर रहे हैं, जो भी आप अचीवमेंट ले रहे हैं, अपने इंस्टा स्टोरी पे जरूर डालें, उनको हाईलाइट भी जरूर कर रहे हैं, ठीक है। वो हाईलाइट कैसे होता है मैं अभी आपको बता दूंगा, ये आपका हो गया, ये 20K वाला हो गया, ठीक है, ये जो हमारी LDP हुई थी मैं उसका भी दिखा देता हूँ, यहीं पे होगा, हाँ ये रहा, ठीक है, ये उदयपुर LDP जो हमने की वो मैंने हाईलाइट यहाँ पे कर रखा है, ठीक है, जो हम वहाँ पे घूमे थे, जो भी हमने वहाँ पे एंजॉयमेंट किया, सारी चीजें वहाँ यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर रखी है, कि लोग जब आएंगे आपकी स्टोरी देखेंगे तो उनको पता लगेगा कि हाँ यार पैसा भी कमा रहे हैं, सच में ये पैसा कमा रहे हैं, क्योंकि जब इंसान के पास पैसा आता है ना तो सारी चीजें बदलने लग जाती है अपने आप। अब जिन लोगों का भी इंस्टाग्राम पे अकाउंट है वो भी मुझे फॉलो कर ले, मैं भी आपको फॉलो बैक देने वाला हूँ, ठीक है। तो जल्दी से लोग जो भी जिनका इंस्टाग्राम पे अकाउंट है फॉलो कर लीजिए, आपका मैं आभारी रहूंगा, प्लस आपको कुछ चीजें वहां पे सीखने को भी मिलने वाली है, जैसा कि मैंने स्टोरी डाला, आप मेरी स्टोरी देख के, मैं ये नहीं बोल रहा कि जैसा मैं बना रहा हूँ वैसा नहीं बनाए, आप मेरे से भी बेहतर बना सकते हैं, मेरे से भी अच्छी आप स्टोरी एडिट करके वहां पे डाल सकते हैं, जैसे मैं स्टोरी डाल रहा हूँ उनको आप कुछ चीजें वहां से आपको मिल जाएगी कि आप वो वहां पे ऐड कर सकते हो, प्लस आपको रील कैसे डालनी है, जैसे मैंने यहाँ पे ये रील डाल रखी, ठीक है, आपको दिख रही होगी, मैंने एक साइड मेरी फोटो लगा दी, एक साइड मेरी इनकम का स्क्रीनशॉट है, जो मेरी आईडी का स्क्रीनशॉट है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यहाँ से क्या पता कौन सी रील आपकी वायरल हो जाए, ठीक है, ये तो चलो कोई वायरल नहीं हुई लेकिन फिर भी यहाँ से लोग कॉन्टेक्ट करते हैं, जैसे मैं दिखाऊं ये जो रील है ये वायरल हो रखी है, ठीक है, 11,000 यहाँ पे व्यू आ रखे हैं, इस पे 2300 व्यू आ रखे हैं, ठीक है, 5,000 आ रखे हैं, 2,000 आ रखे हैं, एक मैं दिखाता हूँ, ये देखिए 41,000 लोगों तक ये गई है, तो क्या पता कौन सी आपकी रील जो है वो वायरल हो जाए, वहां से आपको अच्छा रिजल्ट आ जाए, अच्छा रेस्पॉन्स आ जाए,
और जैसे मैंने ये इनकम का, ये मैंने इनकम का स्क्रीनशॉट डाल रखा है यहाँ पे, ठीक है। आप अपनी तरफ से और भी कुछ अच्छी चीजें वहाँ पे एडिट करके डाल सकते हो, ये जैसे मैंने इनकम का यहाँ पे डाल रखा है, ठीक है। और भी कुछ होगा यहाँ पे नहीं है, ओके। तो इस तरह से आप रील बना के एडिट करके यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। स्टोरी आपको डेली डालनी है। अब यहाँ पे एक चीज करनी है, वो है जरूरी सबसे ज्यादा, स्टोरी जो भी आप डाल रहे हो वहां पे कॉन्टेक्ट नंबर डालना है जरूर, विशेष तौर से आपको कॉन्टेक्ट नंबर डालना है। दूसरी चीज, आपको डेली बेस पे डालना है, ऐसा नहीं कि 5 दिन आप डाल रहे हो, 10 दिन आप डाल रहे हो, उसके बाद खत्म, रिजल्ट नहीं आया, लोगों ने कॉन्टेक्ट नहीं किया, बस ठीक है भाई मेरे से नहीं होगा। काफी लोगों का यही जवाब होता है, कॉल करते हैं 5-10 दिन बाद, सर मैंने प्रमोशन किया था, मैंने इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली थी, लेकिन मुझे तो कोई रेस्पॉन्स नहीं आया, मुझे तो कोई ज्वाइनिंग नहीं मिली। भाई आएंगे, मैं अभी आपको कुछ दिखाऊंगा, देखिए यहाँ पे मैं दिखाता हूँ, मेरे पास काफी ऐसे लोगों का आया हुआ है, जस्ट 1 सेकेंड। ठीक है, ये जैसे राजू जी है, इन्होंने मुझे क्या, मेरे को भी ज्वाइन करना, बिल्कुल करवा देंगे, क्या करना पड़ता है, पहले कितने पैसे लगते हैं, मैंने इनको बोला आप व्हाट्सएप पे आ जाइए, मैंने इनको व्हाट्सएप पे सारी डिटेल भेज दी और ये इंटरेस्टेड है, बिल्कुल ये 1 या 2 दिन में ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद मैं और दिखा देता हूँ, ठीक है। महेश कुमार जी है, इनको भी ज्वाइन करना है, इन्होंने बोला है कि सर कोई जॉब है तो बताओ, अब इनको नहीं पता भाई ये जॉब है या बिजनेस है, तो ये भी ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और भी काफी सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, ये देखिए मेरे को भी ऐड कर लो, ठीक है, ये भी, ये ज्वाइन हो चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। अगर आप ये डेली बेस पे लगा रहे हैं, ठीक है, तो बिल्कुल आपको यहाँ से रिजल्ट आएगा, बिल्कुल आपको लोग कांटेक्ट करेंगे, लेकिन वो तभी कांटेक्ट करेंगे जब आप इनको डेली, आप अपना स्टोरी डालोगे डेली, आपका ये जब एक्टिविटी देखेंगे ना, तो इनको लगेगा कि हाँ भाई कुछ ना कुछ तो यहाँ पे हो रहा है, कुछ ना कुछ तो ये कर रहे हैं, तभी आज ये डेली स्टोरी डाल रहे हैं। अपनी एक्टिविटी शेयर कीजिए, उससे लोगों को लगेगा कि हाँ पैसा आ रहा है और मुझे भी ये जाना है। 1 दिन 5 दिन डालोगे तब तक लोग आपको इग्नोर करते रहेंगे, अरे यार ये कुछ नहीं फालतू में डाल रहा होगा, इनसे क्या होता है। जब ये 15-20 दिन महीने तक ये हो जाएगा ना, जब पानी सर से ऊपर निकल जाएगा उनके, फिर तो वो बोलेंगे भाई अब नहीं रहा जाता, अब तो पूछना ही पड़ेगा कि ये करते क्या, मैं भी तो जानूं इसके बारे में, और तब वो लोग कॉन्टेक्ट करेंगे। और हम हार मान जाते हैं 5 दिन प्रमोशन करके, 10 दिन प्रमोशन करके, लेकिन ऐसा नहीं करना है। आप 1-2 महीने कंटिन्यू प्रमोशन करके तो देखो, बिल्कुल रिजल्ट आपको आने वाला, लेकिन तब तक हम क्या करते हैं, पहले ही हार जाते हैं। 5 दिन प्रमोशन किया, 10 दिन प्रमोशन किया, रिजल्ट नहीं आया, ठीक है हमसे भाई नहीं होगा, हमें कोई रिजल्ट नहीं आ रहा, हमें लोग कॉन्टेक्ट नहीं करने, ऐसी बात नहीं है। आप 1-2 महीने 3 महीने कंटिन्यू प्रमोशन करो तो सही, लोगों तक अपने बिजनेस को पहुंचाओ तो सही, लोग जरूर आपके पास आएंगे। सिंपल सा है, और कोई अलग यहाँ पे चीज है नहीं, स्टोरी डालनी है, जैसे ये आपका यहाँ पे होता है, मैंने, मुझे ये मेंशन किया गया, मैंने ये डाल दी, ठीक है। इन्होंने जैसे है, ये अरुण जी हैं, अरुण राजपूत जी है, इन्होंने ये डाल रखी है, मैंने इनकी ये स्टोरी डालते डेली, बहुत अच्छा प्रमोशन कर रहे हैं, ठीक है। कवाल सर है, बहुत ही अच्छे लीडर, बहुत ही जबरदस्त के लीडर, ठीक है। इनको हाईलाइट कैसे करना होता है, जैसे मान लो ये पोस्ट है, ये मुझे हाईलाइट करनी है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा शेयर बूस्ट और हाईलाइट, इस पर क्लिक किया, अब मुझे कौन सी हाईलाइट में इसको ऐड करना है, याराना वाले में करना है, ट्रेवलिंग मूवमेंट में करना है, या आस्क मी हाउ में करना है, चलो मुझे इसमें ऐड करना है। ये लो जी आपका ये हाईलाइट में ऐड हो गया, सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा सिंपल है, बस आप उसको करना होगा, आपको काम करना होगा, आपको स्टार्ट करना होगा, तब ये हो पाएगा, ठीक है। तो मेरी तरफ से इतना ही, मुझे जितना आता था मैंने आपको बताने की कोशिश की, मेरे से भी बेहतर, मेरे से भी ज्यादा एक्सपीरियंस वाले लीडर हमारे साथ अभी जुड़े हुए हैं, तो हम उनसे भी जानेंगे कि हम इंस्टाग्राम पे और अपने यूट्यूब पे किस तरह से प्रमोशन कर सकते हैं। तो संप्रीत सर, आप सभी जो भी हमारे कोच है, आप सभी को इनवाइट कीजिएगा। मेरी तरफ से इतना ही, आगे का मैं सेशन हैंड ओवर करना चाहूंगा मिस्टर संप्रीत सर को, तो थैंक यू सो मच सर, आइए आपका स्वागत है। मिस्टर संप्रीत सर, अगर आप अवेलेबल हैं तो आगे का सेशन कंटिन्यू करिए सर। ओके 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 ओके, हाँ जी सर, ओके
ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीका से एक एक चीज को आपने बताया सर। और इंस्टाग्राम में बहुत सारे लोगों को हाईलाइट करने नहीं पता था, आज उन्होंने सीखा बहुत कुछ, काफी कुछ जानकारी यहां से सीखने को मिला सर। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो आपने अपना कीमती समय निकालकर आज हम लोग को सिखाया बताया। और भी कुछ हमारे को होस्ट लीडर हैं जो लोग अपना अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, कैसे वो लोग प्रमोशन कर सकते हैं, कैसे उनका रिजल्ट आता है। तो साथियों ज्यादा देर न करते हुए हम उन लोग को इनवाइट करना चाहेंगे और आप लोग से एक ही चीज कहना चाहेंगे कि आप लोग बार बार हैंड राइज नहीं कीजिए जब तक नहीं बोला जाता है, ठीक है। तो हमारे बीच में है एक बहुत ही जबरदस्त लीडर, मिस रंजीत कौर मैम। मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है मैम। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे बोलने का मौका दिया। एंड थैंक यू नीमराज सर, जो आप आज का सेशन जो आपने इतने जबरदस्त तरीके से लिया, जैसे कि समृत सर ने बताया कि ये हाईलाइट का ऑप्शन ये बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। और मैं सबसे पहले सभी लोगों से ये बोलना चाहूंगी कि आप जो भी सोशल मीडिया हैंडल पे वर्क कर रहे हैं, पहले आप उस पे, ये नहीं कि आपने दसियों, आपने यूट्यूब भी देख लिया, आपने इंस्टाग्राम भी देख लिया, आपने फेसबुक भी देख लिया, आपने लिंक्डइन की भी क्लासेस ज्वाइन कर ली, बट आपने करना कुछ नहीं। आपने दो दिन आपने फेसबुक पे गए, दो दिन आप लिंक्डइन पे गए, दो दिन आप इंस्टाग्राम पे गए, मतलब रेगुलरिटी बनाइए, जो भी आप यूज करते हो उस पर रेगुलर हो जाइए। आपने सारे नंबर्स आपने व्हाट्सएप नंबर पे तो लाना ही है, व्हाट्सएप तो आपने यूज करना ही करना है। जैसे कि लास्ट सेशंस में हमने बताया कि व्हाट्सएप तो एक हमारी एक शॉप है, वहां पे तो आना ही आना है। मेन हमारा जो भी हम सोशल मीडिया हैंडल यूज करते हैं, हमें 10 जगह तो नहीं भागना, बट जो भी करो वो एक शिद्दत से करो, करना ईमानदारी से करो, रेगुलर रहो, कंसिस्टेंट रहो उसी पे, और रिजल्ट वहीं से ही मिलना है और कहीं से नहीं मिलना है। अगर आप ऑफलाइन मोड पे जाते हैं आप डेफिनेटली वर्क कर सकते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुछ नए लीडर्स भी कनेक्टेड हुए हैं जो कि ऑफलाइन के थ्रू हमारे साथ आए हैं। बट आप ऑफलाइन पे जा सकते हैं, कोई वो नहीं है, बट ऑनलाइन पे क्या है, आप हजारों की तादाद पे तक अपने बिजनेस को पहुंचाना है। आपने इस सिस्टम को ज्वाइन किया है, आपने करोड़ों कमाना है। और मैं अपना मैं कल की अपनी इनकम की बात करूं तो मेरी सिंगल डे की इनकम लगभग 20,000 रुपए की रही है। तो इसमें कैसे हुआ ये सब, ये सब सोशल मीडिया के थ्रू, सिर्फ एक सिंगल डे की इनकम 20,000 आप लोग 2 करोड़ तक भी कमा सकते हो। तो इस सिस्टम का ऐसा पोटेंशियल है। तो उसमें आपने करना क्या है, आपने कंसिस्टेंट रहना है, हारना नहीं है, थकना नहीं है, रुकना नहीं है, जैसे कि नीमराज सर कहते हैं। बाकी यूट्यूब पे कैसे मैं वर्क करती हूँ, आपने जैसे नीमराज सर ने बताया कि आपने अपने आप को प्रमोट करना है, आप अपनी वीडियोस बनाइए, शॉर्ट वीडियोस बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है कि आपकी इनकम ज्यादा नहीं हुई है या ऐसा। देखिए हर बंदा जीरो से ही स्टार्ट करता है, कोई भी ये नहीं कि करोड़ों अगर कमा के आया होता तो फिर उसको यहाँ पे कनेक्ट होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। तो आप अपने आप में कॉन्फिडेंट रहिए, जितना भी है सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, मेरे भी पहले जीरो से ही, आप लोग सबको पता ही है जीरो से ही काउंटिंग शुरू होती है, तो वो जाएगा, बट आपको अपने में पेशेंस बहुत जरूरी है, यहाँ पे धैर्य रखना पड़ेगा कि रिजल्ट तो आएगा ही आएगा। दूसरा आप तरीका यूज कर सकते हैं, मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करना चाहूंगी, जैसे कि हम यूट्यूब पे यूज कर सकते हैं। मैं अपने यूट्यूब के चैनल पे अगर जाती हूँ, क्योंकि एक्चुअली मेरा अभी कुछ दिन पहले मेरा फोन रीसेट हो गया था, तो मैं बताना चाहूंगी, जैसे यहाँ पे अगर हमारे जो लीडर्स हैं, तो जैसे कुलदीप सर के अगर हम चैनल पे जाते हैं या नीमराज सर के चैनल पे जाते हैं, जैसे सर ने बताया, अगर मैं ये सर्च करती हूँ तो सर का चैनल आ जाता है सामने। अब यहाँ पे क्या होता है, जैसे कुछ लीडर्स हैं, अब उनके आप कमेंट सेक्शन पे अगर आप देखेंगे तो कुछ नंबर्स, जैसे कई लोगों पे क्या होता है नंबर्स होते हैं, तो आप अगर जैसे कि या प्लान वीडियो जब हमारा चल रहा होता है रात वाला शाम का, तो उस पे भी आपके पास नंबर्स होते हैं जो कि वहां पे लिखा होता है आई वांट टू ज्वाइन फॉर सैज, ओके, तो वहां पे नंबर्स को आप लेके उनसे बात कर सकते हैं। अगर आप जैसे अपना YouTube चैनल नहीं बना रहे हैं या अपना प्रमोशन नहीं करें, वहां पे आप डाल सकते हैं अपना नंबर ताकि लोग आपसे कनेक्ट हो सकते हैं। तो एक तरीके से आप ये भी यूज कर सकते हैं। दूसरा, आप मल्टीपल चैनल्स बना लीजिए, यहाँ पे अगर आप मल्टीपल चैनल्स बना लेते हैं तो भी आपको ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। बट आज आके सारी चीजें रहती है, आप कितने रेगुलर हैं, कितने कंसिस्टेंट हैं। सो थैंक यू सर।
मेरी तरफ से इतना ही था, आप और को-होस्ट पार्टनर्स को इनवाइट करिए और उनका एक्सपीरियंस हम लोग सुनते हैं। थैंक यू सो मच सर। ओके थैंक यू सो मच मैम, वाकई में आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से बताया YouTube के बारे में। मैम ने एक चीज और बताया, आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जितने भी हमारे फोर्सेस के चैनल हैं उसमें कमेंट में जाकर वहां पर लोग बोलते हैं आई वांट टू ज्वाइन फोर्सेस, तो वहां से भी आप कॉलिंग करके उन लोगों को ज्वाइनिंग करवा सकते हैं। ये सीक्रेट बात है जो कि मैम ने आपको बता दिया है ना। तो चलिए नेक्स्ट लीडर को लेते हैं, हमारे बीच में है सविता यादव मैम। मैम आपका मोस्ट वेलकम है। ओके थैंक यू सो मच सर, गुड आफ्टरनून, एम आई ऑडिबल सर? यस यस मैम। ओके थैंक यू सो मच संप्रीत सर, एंड थैंक यू सो मच नेवरा सर, बहुत ही अच्छे से आज आपने इंस्टाग्राम प्लस आपने यूट्यूब को कवर किया है। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगी इंस्टाग्राम के साथ। सर मैं इंस्टाग्राम को सबसे पहले यही कहूंगी कि इंस्टाग्राम आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलने वाला सोशल मीडिया है। 18 से लेके 24 साल के यंगस्टर्स जो टीनेजर्स होते हैं वो इंस्टाग्राम पे मिलते हैं, हर एक एज के पर्सन मिलते हैं। जैसा कि नेमराज सर ने बताया कि रील्स एक ऐसा चीज है जिसकी वजह से हर एज के पर्सन आपको इंस्टाग्राम पे मिल जाते हैं। इन्हीं रील्स को आप एज ए बिजनेस पर्पस यूज कीजिए। इंस्टाग्राम को यूज करने से पहले आप लोग फेसबुक पेज जरूर बना दे, बिकॉज आप जब इंस्टाग्राम अकाउंट को फेसबुक पेज से कनेक्ट कर लेते हैं तो आपके इंस्टाग्राम अकाउंट जो होती है वो पूरा बिजनेस अकाउंट में कन्वर्ट हो जाता है। इंस्टाग्राम पे आप लोग हैशटैग ज्यादा से ज्यादा यूज कीजिए, बिकॉज इंस्टाग्राम इकलौता ऐसा सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जहां पे हैशटैग ही सबसे ज्यादा ट्रेंड करता है। जितने ज्यादा हैशटैग आप यूज करते हैं उतनी ज्यादा आपकी जो पोस्ट होती है ऑल ओवर वर्ल्ड, ना ही सिर्फ इंडिया में, ऑल ओवर वर्ल्ड उतने लोगों के पास जो वो हैशटैग यूज करते हैं उन लोगों तक आपकी पोस्ट रीच होती है। सर ने एक चीज बहुत अच्छे से कवर किया, हाइलाइट्स। जी हाँ, हाइलाइट्स बहुत सारे लोगों को नहीं समझ में आता है कि किस तरीके से अरेंज करना है। सर ने बताया आपको हाइलाइट्स का जो थीम होता है आप सबको सेम रखा कीजिए। मैंने हालांकि खुद भी अभी तक नहीं, क्यों, लेकिन यस ये एक सीक्रेट है, आप उसको जरूर सेम थीम पे रखिए। इससे क्या होता है कि आपकी जो इंस्टाग्राम अकाउंट होती है वो बहुत ही ज्यादा प्रोफेशनल लगती है। हैशटैग यूज कीजिए इंस्टाग्राम हैंडल को, जब भी जहां भी आप पोस्टिंग करते हैं इंस्टाग्राम हैंडल को जरूर उसमें एड ऑन कीजिए, क्योंकि इंस्टाग्राम इकलौता ऐसा कह सकते हैं सोशल मीडिया एप्लीकेशन है जो कि हर कोई यूज कर रहा है। टैग कीजिए, अननेसेसरी चीजों को टैग ना कीजिए। जिस रिगार्डिंग आपने पोस्टिंग की है उन्हीं रिगार्डिंग उन्हीं पर्सन्स को टैग कीजिए। अब किसी का बर्थडे पार्टी है तो ये नहीं है कि नेमराज सर को टैग कर दिए, संप्रीत सर को कर दिए। यस, अगर आपकी इनकम हुई है, आप उसे एज ए बिजनेस पर्पस यूज कर रहे हैं तो आप संप्रीत सर को टैग कीजिए, टीम ग्लोबल की ऑफिशियल आईडी को टैग कीजिए। इसके अलावा आप जैसे कि है रेगुलर पोस्टिंग कीजिए, ये नहीं कि दो दिन आपने इंस्टाग्राम पे देखा, दो दिन आपने व्हाट्सएप पे देखा। आप किसी भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं प्लीज उस पे रेगुलर आप बने रहिए, तभी आपको रिजल्ट आएगा। और इंस्टाग्राम थोड़ा टाइम लेता है, यूट्यूब थोड़ा टाइम लेता है, लेकिन ये अभी सबसे ज्यादा ट्रेंड में चलने वाले, और हैशटैग आपको इजीली गूगल पे मिल जाएंगे कि आपको किस रिगार्डिंग, वर्क फ्रॉम होम रिगार्डिंग, बिजनेस एंटरप्रेन्योर, जिस भी रिगार्डिंग आपको हैशटैग चाहिए आप गूगल कर से ट्रेंडिंग हैशटैग ले सकते हैं। थैंक यू सो मच सर इनवाइटिंग मी हियर, एंड ओवर टू यू सर। ओके थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। मुझे उम्मीद है कि बहुत सारे हमारे लीडर को हेल्प मिला होगा। और भी हमारे जबरदस्त के लीडर हैं, हर्षिता मैम आपका मोस्ट वेलकम है, आपका स्वागत है मैम। ओके थैंक यू सो मच संप्रीत सर, एंड थैंक यू सो मच नेमराज सर, आपने काफी जबरदस्त तरीके से इंस्टाग्राम और यूट्यूब पर वर्क करना बताया। मैं आपको हैशटैग्स के बारे में बताना चाहूंगी। आप लोग को लीड जनरेशन करनी होती है, आपको पता होता है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस होती है वो नेटवर्क मार्केटिंग के लोग होते हैं, और उनका क्या होता है, उनके यहाँ कोई ना कोई लेवल्स चलते हैं। तो आप सर्च कर सकते हो हैशटैग सिल्वर डायरेक्टर। आप जब सर्च करोगे तो बहुत सारे लोग आ जाएंगे, तो वहां से आपकी वो क्वालिटी लीड जनरेट हो जाएगी। मैं आपको बताना चाहूंगी, मैंने यहीं से गोल्ड डायरेक्टर तक को भी अपनी टीम में लाया है सिर्फ ऐसे ही सर्च करके। तो
बाकी सारा कुछ तो ऑलरेडी बता दिया गया है, लेकिन ये चीज नहीं बताई गई थी। तो आप हैशटैग का यूज करके काफी सारे जो भी उनके लेवल्स होते हैं उनसे सर्च कीजिए, और वहां से बहुत ज्यादा क्वालिटी लीड्स आती हैं और आपको अच्छे अच्छे लोग वहीं से मिलेंगे इंस्टाग्राम से। ओके सर, मेरी साइड से इतना ही था, थैंक यू सो मच सर। ओके, थैंक यू सो मच मैम, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, और बहुत ही हमारे जबरदस्त के लीडर हैं आरपी कुशवाहा सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है सर आपका। ओके, थैंक यू सो मच सर, समती सर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, एंड थैंक यू सो मच मिस्टर नेमरा सर, एंड थैंक यू सो मच सभी होस्ट पार्टनर जो कि आप सभी से हम सभी को सीखने को मौका मिलता है। सो बहुत ही पावरफुल सेशन रहा आज का मिस्टर नेमरा सर का, एंड सभी होस्ट पार्टनरों ने बहुत कुछ बारी बारी से सिखाया अपन सभी को, एंड थोड़ा सा हमने भी मेरी जानकारी है वो आपको साझा करना चाहूंगा। जैसे कि आपको पता ही है गूगल के बाद जो दूसरा सर्च इंजन है वो अपना यूट्यूब आता है, और जहां तक मेरा माइंड सिग्नल कहता है वो ये कहता है कि बहुत जल्द यूट्यूब एक नंबर पे आने वाला है। कोई भी चीज को अपन सर्च आउट करते हैं तो सबसे पहले जाते हैं यूट्यूब के अंदर, और यूट्यूब में सारी चीजें एक्सप्लेन करके बताई दी जाती है और सही से बताई दी जाती है ना, जो अच्छे यूट्यूबर्स है वो सही से गाइड करते अपने। सो मेरे कहने का मतलब ये है कि यूट्यूब से दो तरीके से बेनिफिट अपन ले सकते हैं। दो तरीके से कैसे, कि जैसे कि आपको पता ही होगा कि अभी फिल्म इंडस्ट्री से ज्यादा पैसा यूट्यूबर कमा रहे हैं, है ना, और अपन तो एक लक्ष्य ऐसे पर्सन है जो कि नेटवर्क मार्केटिंग की जानकारी अगर अपन यूट्यूब पर डालते हैं तो दो तरीके से पैसा अपने पास आ सकते हैं। यूट्यूब भी अपने को इनकम देगा एंड वहां से भी अपने को लीड जनरेट होगी, जैसे कि आज नेमरा सर ने अपने को बताया। सो मैं थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करता हूँ, इसकी गाइडलाइंस के ऊपर थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैंने इसके ऊपर एक सेशन रख रखा है, सेशन में लेता हूँ। सो अभी तो समय इजाजत नहीं दे रहा है, प्रॉपर तरीके से मैं इसकी गाइडेंस आपको शेयर नहीं कर पाऊंगा, फिर भी कोशिश करता हूँ। YouTube की कुछ गाइडेंस है जो कि अगर उसको क्राइटेरिया को अपन फॉलो करते हैं तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन, आप सबसे पहले ऐसा कीजिएगा अपना फोन को रोटेट मोड पे ले लीजिएगा और इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा। सो अभी थोड़ा सा ये प्रॉपर सो नहीं हो रहा होगा, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ आपको कि यूट्यूब अपने को तीन तरह की स्ट्राइक देता है। पहली होती है कम्युनिटी गाइडलाइन जो कि यूट्यूब की तरफ से होती है, ये उसकी गाइडलाइन को अपन फॉलो नहीं करते हैं तो यूट्यूब अपने को कम्युनिटी गाइडलाइन देता है, मतलब अपने को स्ट्राइक देता है, जो कि पहली स्ट्राइक अगले तीन माह बाद दी होती है, देन दूसरी स्ट्राइक फिर अगले तीन माह बाद दी होती है। अगर इस तरह के तीन स्ट्राइक आती है तो टोटली आपका चैनल सस्पेंड हो जाता है, और ऐसा मेरे साथ हुआ, राइट। सो ये कैसे होती है कि आप अगर अपने यूट्यूब चैनल पर सेक्सुअल कंटेंट डाल रहे हैं या फिर एक्स वाई जेड जो यूट्यूब की गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है। दूसरी अपनी जो कॉपीराइट आती है वो आती है क्रिएटर के द्वारा, फॉर एग्जाम्पल नेमराज जी का वीडियो मैंने सेव किया किसी भी एप्लीकेशन से, मैंने डाउनलोड कर लिया, देन उसके बाद मैं एडिट करके नेमराज जी का वीडियो को मैं अपलोड करता हूँ मेरे चैनल पे। सो नेमराज जी को जब मेरा पता लगेगा कि आरपी ने मेरा वीडियो डाउनलोड करके अपने चैनल पे अपलोड कर दिया तो ये मुझे कॉपीराइट दे सकते हैं, और जब मुझे कॉपीराइट आएगी तो ये इनके थ्रू आएगी, किनके थ्रू, क्रिएटर के थ्रू आएगी, ना कि यूट्यूबर के थ्रू आएगी। देन ये भी तीन तरह की तीन बार आती है, तीन बार आपको चांस दिया जाता है। अगर आपको दूसरी कॉपीराइट आ चुकी है तो आप जिस व्यक्ति का वीडियो आपने डाला है उस व्यक्ति से कॉन्टेक्ट कीजिएगा, सर माफी चाहूंगा आपका वीडियो मैंने डाल दिया लेकिन मैं रिमूव करता हूँ, सो बंदा वापस से कॉपीराइट ले लेता है। एंड अगर आप ऐसा उससे कॉन्टेक्ट नहीं करते हो तो टोटली आपका चैनल सस्पेंड हो सकता है, तीन कॉपीराइट यहाँ भी आती है जो कि क्रिएटर की तरफ से आती है। तीसरी कॉपीराइट जो होती है वो होती है यहाँ पे कॉपीराइट क्लेम। कॉपीराइट क्लेम क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं हूँ एंड मेरा एक सॉन्ग है, सॉन्ग आपने यूज कर लिया जो कि कॉपीराइट फ्री नहीं है, और वहां पे मेरा जो आईपी एड्रेस है वो कनेक्ट होता है अपने यूट्यूब का आईपी एड्रेस से। सो जैसे ही मुझे पता लगता है कि मेरा यहाँ पे कुछ ना कुछ कॉपी किया गया है यूट्यूब पर, क्या बोलते हैं उसको, क्रिएटर में, राइट। सो वहां पे क्या होगा कि यहाँ पे ज्यादा दिक्कत तो नहीं आती है सामने वाले को, क्रिएटर को, लेकिन होता यह है कि जो भी टर्नओवर होता है वो सामने वाले का रेवेन्यू उस व्यक्ति के पास जाता है जिस व्यक्ति का क्लेम आपने लिया। तो इस तरह के तीन कॉपीराइट आती है, तीन स्ट्राइक आती है, इन तीनों को बारीक बारीक से समझना होगा अपने को। एंड जैसे कि आज नेमराज जी ने बताया कि आप किसी का वीडियो तो डाल सकते हो, किसी का वीडियो डाल सकते हो, वो भी कहाँ पे, शॉर्ट वीडियो के अंदर, अपलोड नहीं कर सकते हो आप,
शॉर्ट वीडियो के अंदर आप किसी का वीडियो डाल सकते हो, जैसा कि आपको पता ही होगा शॉर्ट वीडियो का टाइम वॉच अपने को ऐड नहीं होता है ना, जो भी टाइम होता है। जस्ट एक सेकेंड, मैं थोड़ा सा मेरा यूट्यूब पे जाता हूँ और थोड़ा सा एक से दो मिनट और एक्स्ट्रा लूंगा आपका। अभी मैं इस पर प्रॉपर सेशन लेने वाला हूँ बहुत ही जल्द, क्योंकि मैं भी इस पर एक सेशन ले रहा हूँ। जैसे कि ये मेरा चैनल आप देख पा रहे होंगे, मैंने इसमें एक से दो वीडियो शॉर्ट दूसरे व्यक्ति को डाल रखा जो कि रिसेंटली मैंने आज अपलोड किया था, 1 व्यूअर्स एंड 3 व्यूअर्स वाला, एंड ये बाकी सारे के सारे मेरे ही हैं। ये शॉर्ट वीडियो है, शॉर्ट वीडियो आप डाल सकते हो, इससे आपके सब्सक्राइबर अच्छे से आप ले सकते हो, मतलब ये रीच होगा, व्यूअर्स जाएंगे, आपका पब्लिक होगा या फिर वायरल होगा शॉर्ट वीडियो, तो आपके अच्छे खासे सब्सक्राइबर आएंगे। लेकिन यहाँ से आपका टाइम वॉच नहीं होगा, टाइम वॉच वीडियो से ही होता है। सो वीडियो तो आपका खुद का होना चाहिए, पूरा कंटेंट खुद का होना चाहिए, इसमें कॉपी राइट फ्री वीडियो होना चाहिए, कॉपी राइट फ्री वॉइस होनी चाहिए, बैकग्राउंड जो भी आप लगा रहे हो सारा का सारा कॉपी राइट फ्री होना चाहिए। सो गाइज बहुत ही बढ़िया था आज का सेशन, और आपसे मैं एक निवेदन करूंगा कि मेरा भी एक छोटा सा चैनल नहीं, चैनल तो एक ही होता है, लेकिन मेरा भी सेकेंड चैनल है। सो नाम है फौरसाज आरपी कुशवाहा के नाम से। अब सभी लोगों से विनती रहेगी कि सर्च आउट कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि यहाँ पे मैं जो भी अपडेट करता रहूँ बिल्कुल आप अपडेट होते रहिएगा यहाँ। बाकी थैंक यू सो मच लीडर्स, आप सभी का सहयोग बहुत बढ़िया रहता है, एंड आशा करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर भी लेंगे। सो थैंक यू सर, थैंक्स अ लॉट, ऑल द बेस्ट सर। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने बहुत ही चीजों को बताया अच्छे से। साथियों एक चीज सर ने बताया, सिंपल सी भाषा में बताऊं आप सभी लोगों, तो चोरी नहीं करना है, किसी दूसरे का कॉन्टेक्ट नहीं चुराना है, खुद को बनाना है, खुद का ब्रांड वैल्यू बनाना है, गलत हो या सही हो गलती तो नहीं करना है। आप लोगों को यही डर लगता होगा कि हम उतने स्मार्ट नहीं है, हम उतने सुंदर नहीं है, हम उतने बोलने लायक नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, दुनिया जिस पर हंसी है उसी ने इतिहास रचा हुआ है, ठीक है। तो आप पर भी हंसेंगे, आप दिन एक दिन चमक जाएंगे, ठीक है। तो और भी हमारे नेक्स्ट लीडर हैं, मिस्टर चित्रसेन साहू सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है आपका। ओके, ज्यादा टाइम ना लेते हुए हम और नेक्स्ट लीडर को इनवाइट करना चाहेंगे, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत कम है। हमारे बीच में अपने सुपर डुपर अपलाइन मिस्टर, ग्रेट अपलाइन मिस्टर रामदेव सर, आपका मोस्ट वेलकम है सर, स्वागत है। जी सर, थैंक यू सो मच मिस्टर संप्रीत जी, थैंक्स अ लॉट, एंड स्पेशली थैंक्स टू मिस्टर नेमराज सर, आपने बहुत जबरदस्त तरीके से इंस्टाग्राम का एंड यूट्यूब का बताया। गाइज मैं इन शॉर्ट इतना ही बताना चाहूंगा, आप जितने भी लोगों, किसी का हमने कॉपी नहीं करना है, हम किसी के कॉपी पेस्ट नहीं बन सकते, हम किसी के डुप्लीकेट नहीं बन सकते, हमें खुद को ब्रांड बनाना है। जैसे भी है, अगर मैं वीडियो बना रहा हूँ, मेरे से बिल्कुल अलग है नेमराज जी की वॉइस अलग है, वीडियो बनाने का तरीका अलग है, लेकिन वो मुझे कॉपी नहीं कर रहे, मैं उनको कॉपी नहीं कर रहा। और जितने भी बड़े बड़े लीडर्स है, अगर आप उनका यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, इंस्टाग्राम सर्च करोगे, हाँ जरूर एक दूसरे से सीखते, सीखने में कभी शर्म मत करो, अगर छोटे बच्चे से भी कुछ सीखने को मिलता है तो उससे भी सीखो, क्या कुछ सीखा जा सकता है, बड़े बड़े लीडर से सीखो, छोटे बच्चों से भी सीखो, लेकिन कॉपी हमने नहीं करना है किसी को भी, खुद को ब्रांड बनाना, जैसे भी हो जिस भी स्थिति में हो वहां से स्टार्ट कर दो, वहां से शुरू कर दो। यकीन मानिए आज जो आप वीडियो या कोई भी कंटेंट डाल रहे हो कहीं पे भी, वो कल वाले से, मतलब कल उससे बेटर डालोगे, फिर अगले 100 दिन में आप अगर 1% भी अपने आप में इंप्रूव करते हो किसी भी तरीके से, आज आपने 1% का इंप्रूवमेंट किया, कल फिर से किसी चीज में 1 चीज का इंप्रूवमेंट किया, इन नेक्स्ट 365 डेज, अगले 365 डे के अंदर आप लोगों का जो इंप्रूवमेंट का ग्रोथ होगा वो 365% का होगा, मतलब ऑलमोस्ट 3.5 गुना आप बेहतरीन बन जाओगे जस्ट इन 1 ईयर, जस्ट 1 साल के अंदर। जैसे भी हो, जहां पे भी हो, जो भी साधन है, जो भी संसाधन है, जितनी भी नॉलेज है, वहां से शुरू करना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर कोई पूछे कि सबसे ज्यादा कठिन काम क्या है, तो मैं कहूंगा सबसे ज्यादा कठिन काम है किसी भी काम को शुरू करना। अगर एक बार हम किसी भी काम को शुरू कर देते हैं, उसके बाद में वो काम उतना कठिन नहीं रहता है जितना उसको शुरू करना कठिन होता है। तो जितने भी लोगों ने यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन जो सीखा है उसको इम्प्लीमेंट करना है, बिना इम्प्लीमेंट किए आपको रिजल्ट एग्जीक्यूट नहीं होने वाले हैं। नॉलेज तो हमें बहुत सी फील्ड्स का है, बहुत सी चीजों का है, लेकिन रिजल्ट्स केवल उन्हीं चीजों का मिलता है
जिनको हम इम्प्लीमेंट करते हैं, अमल में लाते हैं। केवल नॉलेज होने से, ज्ञान होने से, बातें होने से कुछ नहीं होता, उसको जब तक हम जिंदगी में नहीं लाते, डेली रूटीन में नहीं लाते, कुछ नहीं होता। टाइम जरूर लगेगा, सोशल मीडिया पे, इंस्टाग्राम पे टाइम लगेगा, यूट्यूब पे टाइम लगेगा। पता नहीं आप में से कितना बड़ा कल को यूट्यूबर बन जाए, मतलब उसके यूट्यूब से पता नहीं कितने रिजल्ट्स आ जाए, इंस्टाग्राम से कितने रिजल्ट्स आ जाए। और ये जो पांच चार सोशल मीडिया हमने बताए हैं, एक तो फेसबुक हो गया, इंस्टाग्राम हो गया, आपका यूट्यूब हो गया, व्हाट्सएप हो गया, चार से पांच हमने आपको सोशल मीडिया का यूज बताया। अगर डेली इनका यूज करोगे ना, चार पांच मिनट लगेगी, एक वीडियो अगर आप एडिट करोगे एक घंटा लग जाएगा, लेकिन उससे आपको यूज डेली आएंगे, उससे लोग इंटरेस्टेड डेली होंगे। अगर आप लोग किसी भी बड़े यूट्यूबर का बड़े फोर्स आज के लीडर का जाके यूट्यूब चैनल सर्च करोगे ना, आपको पता चल जाएगा। अगर आप मेरा भी यूट्यूब चैनल सर्च करोगे, मैंने कुछ वीडियोस डाले हुए हैं, वहां से लोग देखते हैं, खुद ब खुद आते हैं, सर मुझे ज्वाइन करना है, क्या प्रोसेस है। सिंपली मैं उनको ट्रस्ट वॉलेट डाउनलोड करवा के जितने से उनको स्टार्ट करना करवा देता हूँ। अभी तक यूट्यूब से मुझे कम 5-4 रिजल्ट आ चुके, और वो भी बड़ी बड़ी आईडीज के आ चुके, किसी का 25,000 का, किसी का 50,000 का, 1,00,000 तक का भी आया है। लेकिन उसके लिए टाइम लगता है, और आप देखना मेरे पीछे के वीडियो और अभी के वीडियो में काफी आपको इम्प्रूवमेंट लगेगा। पीछे के वीडियो जो मैंने बनाए हैं, उसमें बोलने का मुझे पता नहीं है, वीडियो एडिटिंग नहीं कर रहा हूँ, उसमें आवाज ठीक से मेरी नहीं आ रही। और अभी लास्ट वाले वीडियो जो आप देखोगे, उनमें आपको पता चलेगा कि हाँ कुछ सुधार हो रहा है, कुछ अच्छा हो रहा है। लोग मुझसे पूछ रहे हैं, सर कैसे कर रहे हो, क्या कर रहे हो। सिंपली मैं तो किसी से एडिटिंग करवाता हूँ वीडियो की, मेरे पास में टाइम नहीं होता, लेकिन जिनके पास में टाइम है, सिंपल है वीडियो एडिटिंग वगैरह करना, वो बहुत जल्दी नेमराज जी आपके लिए सेशन रख देंगे, उसमें कैसे एडिटिंग करना है। ये अभी कुछ सीख रहे हैं और बहुत जल्दी इनका भी वीडियो एडिटिंग देखोगे आप, तो टाइम है आप लोगों के पास में। सो थैंक यू गाइस एंड थैंक यू मिस्टर संप्रीत सर, ओवर टू यू सर। ओके, थैंक यू सो मच सर, आपने बहुत ही जबरदस्त तरीके से एक चीज बात बताई जो कि 100% सही है। और टाइम हमारे पास हो चुका है, तो हम माफी चाहेंगे जितने भी को होस्ट को नहीं इनवाइट किए। और लास्ट में एक ही चीज बोलना चाहेंगे सभी दोस्तों को कि लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखना, लाख दलदल ही सही पैर जमाए रखना, हाथ खाली ही सही मगर उठाए रखना। कौन कहता है कि छलनी में पानी रुकता नहीं, बस बर्फ बनने तक हौसला बनाए रखना। थैंक यू सो मच ऑल लीडर्स। और नेमराज सर आपका मोस्ट वेलकम है, आप मीटिंग को एंड की तरफ ले सकते हैं। जी थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मिस्टर संप्रीत सर, आपने आज की होस्टिंग वाकई ही बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार तरीके से की। थैंक यू सो मच एंड थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आरपी कुशवाहा सर हैं, हर्षिता मैम हैं, रजनीत मैम हैं, रामदेव सर हैं, सविता मैम हैं, आपने भी बहुत अच्छी तरीके से, बहुत शानदार तरीके से हम सभी लोगों को बताया कि हम इनको कैसे यूज कर सकते हैं, कैसे इन पे प्रमोशन करते हैं। जो भी आप सभी को आज लीडरों को, लीडरों से सीखने को मिला, जिन्होंने भी आप सभी को बताया, जो चीजें बताई उनको आपको इम्प्लीमेंट करना है। और एक बात जो रामदेव सर ने बताई कि जहां पे भी हैं आप, जितना आपको आता है आप स्टार्ट कर दो। वो सबसे बड़ा जो काम है और सबसे बड़ी जो मुश्किल है वो है स्टार्ट करना। हम स्टार्ट नहीं कर पाते, ये सोचते रहते हैं कल कर लूंगा, कल नहीं 5 दिन बाद कर लूंगा, अभी इस चीज की कमी है, चलो ये आ जाएगी उसके बाद कर लूंगा। ऐसा नहीं करना है। ऐसे करते करते आपको पता है 2022 के 6 महीने निकल गए, ठीक है, ये 7वां महीना चल रहा है, 6 महीने और बाद ये 2022 भी खत्म हो जाएगी, 2023 आ जाएगा। हर दिन कम हो रहा है, दिन बढ़ नहीं रहे, दिन कम हो रहे हैं। तो जितना आता है, जिस भी स्टेज पे है, जितना नॉलेज है, स्टार्ट कर दो। परफेक्ट बनने की कभी भी कोशिश मत करो, एक दिन ऐसा आएगा कि आप परफेक्ट बन जाओगे, लेकिन स्टार्ट आप कर दो,